Hello everyone, welcome to Exam where you prepare 50% faster with us. स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है स्टूडेंट्स अगर आपके मन में नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी सवाल है तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हम जल्द ही ई सेमिनार कंडक्ट करेंगे तो आप अपनी क्वेरीज को गूगल फॉर्म के अंदर शूट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं तो चलिए पूरे नोटिफिकेशन स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो है एक दस दो हजार बाईस यानी एक अक्टूबर दो हज़ार बाईस चाहे आपकी एज क्वालिफिकेशन हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जो वेबसाइट लिंक है स्टूडेंट्स वो उनतीस तारीख से अठारह नवंबर तक ओपन रहेगा दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं और आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का वो भी अठारह नवंबर ही रहेगा आप अपने कॉल लेटर्स को दस दिन पहले एग्जाम से पहले डाउनलोड कर सकते हैं अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हमारे पास टेंटेटिव डेट्स हैं जो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट कंडक्ट होना है तो मोस्ट लाइकली आपका फर्स्ट और और वीक ऑफ जनवरी जनवरी में एग्ज़ाम होगा रिजल्ट इसके और फेब तक आपको अनाउंस हो जाएंगे और जो आपका इंटरव्यू है वो मार्च अप्रैल तक कंडक्ट होगा तो बेसिकली आपकी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो सिक्स मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप

डेट है आपकी एलिजिबिलिटी की वो एक अक्टूबर 2022 है तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो वहां पर जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए रीजनल मैनेजर स्केल फोर में 30 ईयर्स से 45 फाइव ईयर्स तक के लोग एलिजिबल हैं डिप्टी मैनेजर स्केल सिक्स में फोर्टी ईयर्स से फिफ्टी फाइव एंड रिस्पेक्टिवली यू कैन सी फॉर प्रोटोकॉल ऑफिसर एंड ऑफिस फॉर सुपरविजन या फिर चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं स्टूडेंट्स अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि आपके पास या तो फुल टाइम बैचलर डिग्री हो विद 60 परसेंट मार्क्स और आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55 परसेंट वाले लोग भी एलिजिबल है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन विथ फिफ़्टी मार्क्स तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है स्टूडेंट्स जिनके पास चार्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी या सी जैसी सर्टिफिकेट हैं वो भी इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए एलिजिबल हैं जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी आपका जो डिग्री होना चाहिए उसकी कट ऑफ डेट यहाँ पर सेट करी जा चुकी है यानी एक अक्टूबर 2022 से पहले आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फ्रेशर्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो इनको ब्रॉड स्किल चाहिए वो कॉम्युनिकेशन स्किल चाहिए जो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में चेक हो जाएंगे आपके रिटर्न एंड ओरल कॉम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में वो अच्छा होना चाहिए जिसका टेस्ट ये इंटरव्यू में कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इस बार एक असिस्टेंट मैनेजर हिंदी की भी पोस्ट है तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ 60% परसेंट मार्क्स तो एलिजिबल हैं या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है इन हिंदी 55% परसेंट मार्क्स तो भी आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट uh, के लिए एलिजिबल है यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड टाइपिंग इन हिंदी एंड नॉलेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ़ गवर्नमेंट एज़ पर दी ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स मैं आपको देना चाहता था अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी टेस्ट लिया जाएगा तो एक बार डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वहाँ पर 155 फिफ्टी पूछे जाएंगे जहां पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से फोर्टी आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन बैंकिंग एंड इकोनमी एंड कंप्यूटर नॉलेज से फिफ्टी क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज से ट्वेंटी क्वेश्चन एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल रेफरेंस टू डी ए यहां से थर्टी फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो टू हंड्रेड मार्क्स का होगा ये पूरा एग्जामिनेशन थ्री आवर्स का होगा स्टूडेंट्स जहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेंगी यहाँ पे हर एक सेक्शन के अलग अलग टाइम आपको एलोकेट किया जाएगा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपसे करवाया जाएगा जहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्वेंटी मार्क्स के तो इसके लिए आपको थर्टी मिनट्स का टाइम दिया जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं और एनएचबी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव को आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर मैं कट ऑफ स्कोर की बात करूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी आपकी सेक्शनल जो कट ऑफ है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में होने वाली है और आपको मिनिमम टोटल स्कोर भी लाना पड़ेगा यानी सेक्शनल के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है और मार्क्स कोड इन शेल नॉट बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो आप मार्क्स लेके आएंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए काउंट नहीं होंगे पर आपको क्लियर करना पड़ेगा तो आपको मिनिमम स्कोर लाना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में और आपका इवेल्यूएशन इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट अटेनिंग मिनिमम मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी आपका फेस टू जो है आपका इंटरव्यू राउंड है टोटल जो मार्क्स है इंटरव्यू के वो फिफ्टी मार्क्स है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाई द बैंक तो आपका जो वेटेज रहने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का वो एटीजू टी होने वाला है तो ये बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है और फाइनल सिलेक्शन विल बी थ्रू दी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स सिक्योर्ड द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है उसके बाद इंटरव्यू भी इम्पॉर्टेंट है पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है जो आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन की बात करें तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर सिक्सटी थाउजेंड के आसपास होगी इसके साथ आपको एडिशनल पर्क्स भी दिए जाएंगे उसी तरीके से आप रीजनल मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर की सैलरी भी देख सकते हैं अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन कैटेगरी में दो साल का प्रोबेशन पीरियड है जो आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अगर जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है आप जाकर 2019 का 2020 का और 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन अटैम्प्ट कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं फॉर योर प्रैक्टिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने पाँच मॉक टेस्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फॉर योर कन्वीनियंस स्टूडेंट्स अगर आपके मन में डाउट है कि एन में करियर कैसा होता है एज एन असिस्टेंट मैनेजर तो हमने डॉक्टर संजीव शर्मा के साथ एक यूट्यूब वीडियो किया था जहाँ पर उन्होंने खुद बताया था जो एन में काम कर चुके हैं हमारे फैकल्टी हैं कि किस तरीके का करियर होता है नेशनल हाउसिंग बैंक में रेगुलेटरी बॉडी में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और तरीके के तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप हमसे ज़रूर पूछिए और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी में जॉब कम निकलती हैं अपॉर्चुनिटी कम होती है पर करियर आपका हमेशा डिसेंट होता है और आपको लॉन्ग वे जाना है तो रेगुलेटरी बॉडी में काम करना पड़ेगा दैट्स फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी